और अब बात करते हैं उस खबर की जिसको लेकर बिहार का सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू में कुछ बड़ा होने वाला है। जेडीयू में किसी भी वक्त कोई बड़ा फैसला हो सकता है। कयासबाजी के बीच आज दिल्ली में सुबह 11:30 बजे जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। ललन सिंह जेडीयू अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देंगे और नीतीश कुमार एक बार फिर से अध्यक्ष बनेंगे। इसे लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। हालांकि नीतीश कुमार से लेकर ललन सिंह तक ने पार्टी में किसी भी तरह की खटपट से इनकार किया है, लेकिन सवाल है कि फिर जेडीयू में इतनी हलचल क्यों है। जेडीयू में कुछ बड़ा होने वाला है, इस बात की हलचल पटना से लेकर दिल्ली तक है। चर्चा तब और ज्यादा तेज हो गई जब 29 दिसंबर को होने वाली जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ठीक एक दिन पहले दिल्ली के जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर से ललन सिंह की तस्वीर ही गायब हो गई। हालांकि कुछ घंटे बाद ही नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह की तस्वीर वाले पोस्टर जेडीयू दफ्तर में लगा दिए गए। जेडीयू के अंदर मतभेद की कयासबाजी 19 दिसंबर को इंडी गठबंधन की बैठक के बाद तेज हुई। खबर आई कि नीतीश कुमार नाराज हैं। तभी बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने बड़ा दावा कर दिया कि लालू प्रसाद से नजदीकी के चलते ललन सिंह की कुर्सी जाने वाली है। 29 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार खुद जेडीयू के अध्यक्ष बनेंगे, ऐसा सुशील मोदी ने दावा किया था। हालांकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के एक दिन पहले ललन सिंह ने इस्तीफे की खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इस्तीफा जब हमको देना होगा तो आप लोगों को बुला लेंगे और आप लोगों से को बुला के परामर्श कर लेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले नीतीश कुमार ने भी बैठक में किसी भी तरह की उठा पटक से इनकार किया। नीतीश ने कहा, ये सामान्य बैठक है जो हर साल होती है। सर अध्यक्ष आप रहेंगे जेडीयू के? अरे नहीं, कुछ उधर चिंता मत, नॉर्मल है, हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। एक बार खबर चल रही है कि सर आप एनडीए में जाएंगे, लेकिन भले ही ललन सिंह ने इस्तीफे की खबरों को खारिज किया हो और नीतीश कुमार ने मतभेद की खबर को नकारा हो, पर जेडीयू की बैठक के पहले बीजेपी की ओर से एक और बड़ा दावा किया गया। ये दावा किया बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। गिरिराज ने कहा कि लालू ने नीतीश के खिलाफ चक्रव्यूह रच दिया है और नीतीश कुमार सरकार से जाने ही वाले हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं और लालू जी ने चक्रव्यूह रच दिया है। कुछ ही दिन के मेहमान है, कर ले नेशनल काउंसिल या नेशनल एग्जीक्यूटिव, अभी वो कुछ ही दिन के मेहमान। जेडीयू में मतभेद की खबरों पर आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी ने कहा, सभी पार्टियां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करती है। तेजस्वी ने महागठबंधन में किसी भी तरह की फूट से इनकार किया। बात यह है कि बिहार में जो काम हो रहा है, जिस हिसाब से जिस मुद्दे की बात हो रही है उसको लोग ढकना चाहते हैं, लोग कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में महज एक दिन बाकी है। उसके पहले जेडीयू के तमाम नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और बैठकों का दौर भी जारी है। अब सभी की नजरें बैठक पर टिकी है कि क्या कुछ बड़ा होता है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह, पटना से संजय कुमार, रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आज ही देश की राजधानी दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, लेकिन उसके पहले 28 दिसंबर को दिल्ली जेडीयू ऑफिस में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश कुमार ने पार्टी पदाधिकारियों को संगठन को मजबूत करने के साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने के निर्देश दिए हैं। ये तस्वीर 28 दिसंबर 2023 की दिल्ली की है,
जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह एक साथ एक गाड़ी में पार्टी दफ्तर पहुंचे। जेडीयू के अंदर चल रही खटपट की खबरों के बीच मौका था दिल्ली दफ्तर में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक। नीतीश कुमार और ललन सिंह ने एक साथ जेडीयू दफ्तर पहुंचकर खटपट की खबरों को पूरी तरह खारिज किया और जेडीयू में ऑल इज वेल का संदेश देने की कोशिश की। ये तय हुआ कि कल 11:30 बजे मिलेंगे। ललन जी का इस्तीफा नहीं हुआ, आप जाकर के दुखी होंगे। बीजेपी के साथ नहीं जा रहे आप, पता नहीं आप पे क्या गुजर रही होगी। बता दें कि 29 दिसंबर यानी शुक्रवार को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। बैठक से पहले ललन सिंह के अध्यक्ष पद से हटाए जाने को लेकर नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने तक की चर्चा तेज थी। इसी चर्चा के बीच जेडीयू दफ्तर में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक से पहले जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने सीएम नीतीश कुमार के आवास पर जाकर मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे मुलाकात के बाद दोनों एक ही गाड़ी में मीटिंग के लिए दफ्तर में पहुंचे। एक ही गाड़ी में आकर दोनों ने पार्टी में एकजुटता दिखाने की भी कोशिश की। अब सबकी नजरें शुक्रवार को होने वाली जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर टिकी है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट।